हेलो एवरी वॉन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू यू आर वॉचिंग पीपल्स अकाडम इन आई एम शाहिद खान सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल ट्राई टू लुक एट द आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग गिवन बाई प्लेटो एंड वी विल बी टॉकिंग जनरली अबाउट द पोलिटिकल फिलोसफी ऑफ प्लेटो ओके सो पोलिटिकल फिलोसफी ऑफ प्लेटो पे हम जनरली बात करेंगे बट हमारा जो सेंट्रल फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द आइडिया ऑफ फिलोसफर King. So let us try to understand what is this, uh, you know, idea of philosopher king that Plato has given. And before that, thank you so much for your responses and your feedback. You know, I am just overwhelmed with your responses and with your comments. So keep supporting, keep spreading this particular channel. And if you haven't subscribed this, please hit on the subscription button and share with, you know, your colleagues and friends. So uh, let's see this Plato's idea of philosopher king. And Plato's idea of philosopher king हमें प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस को समझना होगा एंड जब प्लेटो ने ये आइडिया ऑफ जस्टिस दिया इनकी किताब है जिसका नाम रिपब्लिक है ठीक है प्लेटो एक ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे ये भी आप याद रखेंगे तो इनकी जो बुक है रिपब्लिक है एंड इसमें ये आइडिया ऑफ जस्टिस यू नो प्रोवाइड करते हैं एंड आइडिया ऑफ जस्टिस जब प्लेटो दे रहे हैं तो प्लेटो ह्यूमन सोल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वो ये कहते हैं कि ह्यूमन सोल्स के सोल के तीन पार्ट हैं एंड पहला उसमें से रीजन है दूसरा स्पिरिट है एंड तीसरा एपीटाइट है एंड स्पिरिट को कभी कभी इमोशन भी आपको डिफरेंट किताबों में देखने को मिलेगा सो दीज आर द सेम ठीक है तो वो ह्यूमन सोल को तीन कैटेगरीज में बांटते हैं प्लेटो कहते हैं कि जिसके पास रीजन होगा यानी कि रेशनैलिटी होगी थिंकिंग कैपेसिटी होगी उसके पास विजडम होगा उसके पास नॉलेज होगी ठीक है और वही रूलर बन सकता है स्टेट को वही चला सकता है कौन जिसके पास रीजन होगा एंड रीजन के थ्रू वो नॉलेज विजडम को गेन करेगा एंड वही रूलर हो सकता है दूसरा प्लेटो कहते हैं कि जिसके पास स्पिरिट सबसे ज्यादा है जिसमें इमोशन सबसे ज्यादा है उसके पास करेज होगी और वो वॉरियर बनेगा यानी कि सोल्जर बनेगा एंड तीसरा जिसके पास एपिटाइट ज्यादा होगी उसके पास टेम्पर टेम्परेंस होगा टेम्परेंस मतलब मॉडरेशन ठीक है जो एवरेज लोग होंगे तो प्लेटो कहते हैं कि वो फॉर्मर्स बनेंगे ठीक है वो प्रोड्यूसर्स बनेंगे और एक चीज़ आप यहाँ पे यह ये याद रखें कि ये तीनों चीजें एक पर्सन में हैं बट इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जो ज्यादा है किसी में रीज़न ज़्यादा होगा और जिसमें रीज़न ज़्यादा होगा वो रूलर बनेगा जिसमें स्पिरिट ज़्यादा होगा वो वॉरियर बनेगा सोल्जर बनेगा एंड जिसमें एपिटाइट ज़्यादा होगी वो फार्मर बनेगा प्रोड्यूसर बनेगा एंड ह्यूमन सोल में ये तीनों चीज़ें होंगी ये आप याद रखेंगे बट डिग्रीज डिफरेंट होंगी किसी में रीज़न ज़्यादा होगा किसी में स्पिरिट ज़्यादा होगा किसी में एपिटाइट ज़्यादा होगी ठीक है तो जिसमें जो क्वालिटी होगी वो उसके अकॉर्डिंगली यू नो उसको रोल मिलेगा एंड रूलर कौन होगा जिसमें रीज़न होगा क्योंकि जिसमें रीज़न होगा वो नॉलेज गेन करेगा वो विजडम गेन करेगा एंड वही रूलर होगा और इसी को लैटो ने कहा फिलोसोफर किंग क्यों क्योंकि इसके पास रीजन है ये विजडम अचीव करेगा विजडम फिलोसफी पढ़ने से आती है ठीक है इसीलिए इन्होंने कहा रूलर को फिलोसोफर किंग आगे इसको समझते हैं थोड़ा एलोबोरेटली सो प्लेटो कहते हैं कि जो फिलोसफर्स होंगे ठीक है जिनके पास रीजन होगा जिनके पास विजडम होगा दीज वुड रूल ये लोग रूल करेंगे ये लोग स्पेशली ट्रेंड होंगे एंड ये ऑर्डर एंड जस्टिस को यू नो एंश्योर करेंगे दूसरे जो वॉरियर्स होंगे दी वुड प्रोटेक्ट द प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द स्टेट तो ये स्टेट को डिफेंड एंड प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे एंड जो फार्मर्स होंगे प्रोड्यूसर्स होंगे दीज़ वुड प्रोड्यूस नेसेसिटीज़ फॉर द स्टेट जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नेसेसिटीज होंगी वो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे कौन फार्मर्स ओके okay? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एंड प्लेटो कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर इज एट बेस्ट इन इकोनॉमिक फील्ड प्रोड्यूसर जो है जो फार्मर है वो इकोनॉमिक फील्ड में बेस्ट है ठीक है वो प्रोडक्शन में बेस्ट है और उसको प्रोडक्शन वाला ही काम करना चाहिए सोल्जर जो है जो वॉरियर है ठीक है जो वॉरियर है ये जो है ये बेटल फील्ड में बेस्ट है इसलिए ये कंट्री को डिफेंड करेगा लेकिन प्लेटो एट द सेम टाइम ये कहते हैं कि बोथ आर नॉट फिट टू रूल सोल्जर डिफेंड करेगा बैटल फील्ड में सोल्जर प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को फार्मर या फिर प्रोड्यूसर जो है वो इकोनॉमिक फील्ड यानी कि वो प्रोड्यूस करेगा बट दोनों जो है इनमें से कोई भी रूल नहीं कर सकता दे आर नॉट फिट फॉर रूल क्योंकि प्लेटो कहते हैं जो फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट चलाना है इसके लिए आपको एक यू नो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जो स्टेट मैनशिप का कैरेक्टरिस्टिक है ठीक है और स्टेटमैनशिप का कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ फिलोसोफर में हो सकता है जिसके पास रीजन है जिसके पास विजडम है ठीक है और स्टेटमैनशिप जो है ये फीचर ये कैरेक्टर ये एट्रीब्यूट सिर्फ एक फिलोसोफर में हो सकता है इसीलिए वो कहते हैं कि फिलोसोफर्स ही रूलर्स होंगे एंड इसीलिए उन्होंने रूलर को फिलोसोफर किंग कहा ठीक है, है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कौन सा यू you नो know, सबसे ज्यादा कौन सी चीज़ है उसमें सबसे ज्यादा रीजन है उसमें एपीटाइट भी है उसमें यू नो you know, स्पिरिट भी है इमोशन भी है बट सबसे ज्यादा उसमें क्या है उसमें रीजन है उसमें विजडम और यही बात कर रहे हैं प्लेटो मैं आपको एक बार फिर से पीछे लेके चलता हूँ कि ह्यूमन सोल में ये तीनों चीजें होंगी लेकिन किसी पर्सन में इनमें से एक ज्यादा होगी किसी में स्पिरिट ज्यादा होगा किसी में एपिटाइट ज्यादा होगी किसी में रीजन ज्यादा होगा ठीक है और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको रोल मिलेगा एंड यहां कि फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के लिए स्टेटमैनशिप के कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और ये सिर्फ फिलोसफर में हो सकते हैं अब यहां पे प्लेटो कह रहे हैं दस जस्टिस रिजल्ट फ्रॉम ईच एलिमेंट इन सोसाइटी डूइंग इट्स अप्रोप्रिएट टास्क डूइंग इट वेल एंड डूइंग इट ओनली तो प्लेटो ये इस तरह से जस्टिस को डिफाइन करते हैं कि जस्टिस का मतलब है जो पर्सन जो इंडिविजुअल जिस चीज में बेस्ट है वो वही करेगा किसी में सबसे ज्यादा रीजन है उसके पास विजडम है तो वही रूल करेगा किसी में सबसे ज्यादा इमोशन है तो वही सोल्जर बनेगा किसी में ज्यादा एपिटाइट है तो वही प्रोड्यूसर बनेगा वही फार्मर रहेगा ठीक है तो हर एक सोसाइटी का एलिमेंट जो होगा वो वही काम करेगा जिसमें वो बेस्ट है ठीक है डूइंग इट वेल एंड डूइंग इट ओनली सो यहाँ पे प्लेटो बात कर रहे हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की कि इंडिविजुअल जिस भी इंडिविजुअल का जो भी स्पेशलाइजेशन है वो वही काम करेगा ठीक है आई होप दिस इज क्लियर सो यहाँ पे यू नो क्लियरली प्लेटो ये कह देते हैं कि सिर्फ फिलोसफर्स जो हैं वो रूल करेंगे फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ फिलोसफर ही कर सकता है क्योंकि उसी पा के पास ये करेक्टरिस्टिक है स्टेटमैनशिप का I hope this is clear. तो सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू प्लेटो जिसका जो जिसमें जो स्पेशलाइजेशन है जिसकी, जो जिसमें बेस्ट है वो ही करेगा। इसीलिए देते हैं। अब ये फिलोसोफर किंग का हमें पता कैसे चलेगा कि किस में रीजन ज्यादा है किसमें एपिटाइट ज्यादा है और किसमें इमोशन ज्यादा है ये ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना हम जब किसी को देखेंगे सो so, यहाँ पे प्लेटो कहते हैं कि ये ये इसको पता करने के लिए कि किसमें रीजन ज्यादा है किसमें इमोशन ज्यादा है और किसमें एपिट ज्यादा है प्लेटो एक एजुकेशनल सिस्टम का आइडिया देते हैं ठीक है और प्लेटो ये कहते हैं कि एक एजुकेशनल सिस्टम होगा जिसके डिफरेंट स्टेजेस होंगे तो स्टेज वाइज डिस्कस करते हैं प्लेटो पहले स्टेज कहते हैं जो बीस साल तक तो होगा ये पहला स्टेज होगा और इसमें सभी लोगों को सभी बच्चों को फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक सिखाया जाएगा ठीक है और इस ये सारी चीजों के बाद ट्वेंटी ईयर में क्या होगा एक एग्जाम होगा और इस एग्जाम में जो फेल होंगे वो बनेंगे पेजेंट्स ट्रेडर्स यानी के फार्मर्स यानी कि वो क्लास जो प्रोड्यूस करेगी ठीक है तो एक क्लास हमारे पास यहाँ पे मिल गई ये वो लोग हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्या है एपीटाइट है क्योंकि हमें ये पता चल गया इनमें ना तो रीजन ज्यादा है ना ही इमोशन ज्यादा है इसीलिए पहले स्टेज के एग्ज़ाम में जो लोग फेल होंगे वो क्या बनेंगे वो प्रोड्यूसर्स बनेंगे फार्मर्स बनेंगे ठीक है और ये पहला एग्ज़ाम कब होगा एट द एज ऑफ ट्वेंटी ठीक है तो ये पहला स्टेज है और इस स्टेज में कौन कौन सी एजुकेशन ज़्यादा दी जाएगी फिजिकल एजुकेशन और म्यूज़िक अब सेकंड स्टेज जो है ये ट्वेंटी वन ईयर्स टू थर्टी ईयर्स का होगा थर्टी ईयर्स तक का होगा टेन ईयर्स का ठीक है और इस स्टेज में जो यू you नो know, जो यहाँ से पहले स्टेज में यू नो क्वालिफाई किए होंगे लोग वो क्या करेंगे उन लोगों को फिजिकल एजुकेशन मॉरल एजुकेशन और मेंटल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और ये एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद एट द एज ऑफ थर्टी इनका भी एक एग्जाम होगा एंड जो फेल होंगे वो सोल्जर्स बनेंगे या फिर इनको ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है या फिर इनको वॉरियर्स भी कहा जाता है ठीक है कौन जो सेकंड स्टेज में फेल होंगे एट द एज ऑफ थर्टी जो एग्जाम होगा ठीक है एंड इसके बाद जो इसमें से पास होंगे वो थर्ड स्टेज में जाएंगे जो थर्टी से थर्टी फाइव ईयर्स का होगा और इस एज में सबको फिलासफी पढ़ाई जाएगी जो भी क्वालिफाई करके आया होगा सेकेंड स्टेज से और जब फिलासफी पढ़ाई जाएगी तो इनके पास विजडम आएगी ठीक है और जब इनके पास विजडम आएगी तो ये वर्चुअस इनके पास वर्च्यू आएगा ठीक है क्योंकि यू नो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट में एक टर्म एक एक्सप्रेशन थी एक कि ज इज वर्च्यू विच्यू इज नॉलेज ठीक है नॉलेज इज वर्च्यू विच्यू इज नॉलेज तो अगर किसी के पास विजडम आएगी किसी के पास नॉलेज आएगी तो उसके पास वर्च्यू होगा एंड वर्च्यू इज वॉट विच्यू इज एक्सेलेंस यू नो पर्सन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ हाई कैरेक्टर ठीक है तो तीसरे स्टेज में थर्टी से थर्टी फाइव एयर तक सबको फिलोसफी पढ़ाई जाएगी जो क्वालिफर क्वालिफाई करके आएंगे सेकेंड स्टेज से एंड वो फिलोसफी के पढ़ने से उनको विजडम आएगी और वो उनके पास वर्च्यू आ जाएगा एक्सीलेंस आ जाएगी चलते हैं आगे एंड हमारे पास अब फोर्थ स्टेज है फोर्थ स्टेज में प्लेटो कहते हैं कि थर्टी फाइव से फिफ्टी ईयर्स तक ये स्टेज होगा फिफ्टीन ईयर्स का एंड इस स्टेज में क्या होगा ये जो सारे लोग थर्टी से थर्टी फाइव ईयर्स तक फिलासफी जिनको पढ़ाई जाएगी वो अब वर्ल्डली अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे मीन्स उनको अब सोसाइटी में जाना है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को देखना है उनको सॉल्व करना है यानी कि एक तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अब उनकी होगी ठीक है जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ की हैं उन सब की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स उनको ये पंद्रह साल में यानी उनको पूरी सोसाइटी में जाके घूमना है डिफरेंट प्रॉब्लम्स लोगों की देखनी है उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ठीक है और ये पंद्रह साल तक चलेगा जो कि स्टेज फोर है एंड एक फाइनल एग्जाम होगा एट द एज ऑफ फिफ्टी ईयर्स ठीक है और इस एग्जाम में जो फेल हो जाएंगे वो सोल्जर्स यानी कि ऑक्सिलरीज की हाई रैंक्स में जाएंगे ठीक है वो हाई रैंक्स में जाएंगे कौन जो सोल्जर क्लास थी सोल्जर क्लास की हाई रैंक्स जो हैं उसमें कौन जाएगा जो इस स्टेज में फेल फेल होंगे एंड जो पास होंगे वो रूलर्स बनेंगे ठीक है दोस पास विल बिकम रूलर्स और यही रूलर्स प्लेटो ने नाम दिया फिलोसोफर किंग क्योंकि इसने फॉसफ़ी पढ़ी इसके पास विजडम आई इसके पास वर्च्यू आया इसीलिए इसको फिलासफर किंग कहा गया ठीक है और इसके पास एब्सलूट पावर्स होंगे अकॉर्डिंग टू प्लेटो एक बार फिर से अब कंफ्यूज नहीं होना पहला स्टेज ट्वेंटी ईयर्स तक है इसमें इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी ट्वेंटी ईयर में एक एग्जाम होगा जो फेल होंगे वो प्रोड्यूसर्स बनेंगे फार्मर्स बनेंगे पेजेंट्स ट्रेडर्स ठीक है ये क्लास बनेगी दूसरा स्टेज ट्वेंटी वन से थर्टी ईयर्स तक होगा इसमें वो लोग होंगे जो स्टेज वन पास करके आए होंगे इस स्टेज में फिजिकल मॉरल मेंटल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी एट द एज ऑफ थर्टी एक एग्जाम होगा और इसमें जो फेल होंगे वो सोल्जर्स बनेंगे ऑक्सिलरीज बनेंगे ठीक है और जो पास होंगे वो स्टेज थ्री में जाएंगे जिनको फिलोसफी पढ़ाई जाएगी फिलोसफी पढ़ने से उनके पास विजडम आएगा विजडम से उनके पास विच्यू आएगा एंड फोर्थ स्टेज जो होगा वो होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो यू you नो know, डिफरेंट सोसाइटी की प्रॉब्लम में जो पार्टिसिपेट करेंगे ये साल का होगा थर्टी फाइव टू फिफ्टी एक एग्जाम होगा जो फेल होंगे वो सोल्जर्स की हाई रैंक्स में जाएंगे एंड जो पास होंगे वो रूलर्स बनेंगे और इन्हीं को प्लेटो ने फिलोसफर किंग का इसके पास विजडम है इसके पास रीजन है इसके पास वर्च्यू है ठीक है एंड इसके पास एब्सल्यूट पावर्स है आई होप दिस इज क्लियर ठीक है एंड ये एक पर्सन नहीं होगा ये यू नो पांच भी हो सकते हैं आठ भी हो सकते हैं छह भी हो सकते हैं ठीक है तो ये फिलोसफर किंग्स जो होंगे इनके पास एप्सलूट पावर होगा आगे बढ़ते हैं एंड प्लेटो कुछ फीचर्स कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं फिलोसोफर किंग के और वो कहते हैं कि फिलोसोफर किंग इज एन आउटकम ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर एजुकेशन से ये फिलोसफर किंग बना है सेकंड ये एरिस्टोक्रेटिक रूलर्स होंगे एरिस्टोक्रेसी होती है रूल ऑफ फ्यू ठीक है रूल ऑफ फ्यू जब कुछ लोग रूल करते हैं एंड वो कॉमन गुड के लिए रूल करते हैं ठीक है कॉमन गुड के लिए जब कुछ लोग रूल करें फ्यू लोग फ्यू पीपल उसको एस्टोक्रेसी कहा जाता है उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकिन अगर कुछ लोग करप्ट हों तो देन एरिस्टोक्रेसी का उल्टा होता है ओलगैर ठीक है अगर करप्ट ना हो कुछ लोग और वो रूल कर रहे हैं तो दैट इज एरिस्टोक्रेसी अगर वो करप्ट हैं और फ्यू हैं इट मींस उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम ओलिगार्की कहेंगे यू नो एरेस्टोटल ने एक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट भी दी है अगर आपने ध्यान दिया होगा हमारे लेक्चर्स में सो so, ये दूसरा फीचर है कि ये एरिस्टोक्रेटिक रूलर्स होंगे तीसरा दीज रूलर्स आर प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन तो बिल्कुल एक प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू इनको लाया गया है जिसमें स्टेजेस हैं एंड फोर्थ हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, फीचर है कि ये एब्सुलूट पावर्स होंगे इनके पास एंड फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है ये वर्च्यूस होंगे इनका हाई करेक्टर होगा इनके पास एक्सेलेंस होगी ठीक है एंड इनके पास ना तो फैमिली होगी ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और इसी को बाद में प्लेटो ने आइडिया दिया कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी ये आप याद रखेंगे क्यों क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि अगर फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो ये फिलोसफर जो हैं ये सेल्फिश हो जाएंगे ठीक है ये रूलर्स जो हैं हैं ये सेल्फिश सेल्फिश हो जाएंगे बिकॉज यही दो चीज़ें जो एक ह्यूमन को बनाती हैं फैमिली एंड प्रॉपर्टी ये दोनों चीजें निकाल दें तो फिर हमें वेल्थ जमा करके करना क्या है कुछ भी नहीं करना है ठीक है सो दिस इज वॉट प्लेटो हैज यू नो सेड अबाउट फिलोसफर किंग ये सारे फीचर्स हैं फिलोसफर किंग के एरेस्टोक्रेसी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है एंड ये है आइडिया ऑफ किंग बाय प्लेटो एंड इसके साथ साथ आइडिया ऑफ जस्टिस बाय प्लेटो ठीक है एंड ये सारी चीजें कहाँ होंगी प्लेटो ने कहा ये होंगी एक आइडियल स्टेट में ठीक है एक आइडियल स्टेट में आइडियल स्टेट में ही जस्टिस का ये आइडिया देते हैं आइडियल स्टेट में ही ये फिलासफर किंग का आइडिया देते हैं ये एजुकेशन का आइडिया देते हैं और ये कम्युनिज्म प्रॉपर्टी का आइडिया देते हैं ठीक है थीके?

एंड द पोलिटिकल ग्रेटनेस एंड विजडम मीट इन वन और जब तक पोलिटिशन्स और विजडम वाले लोग ये एक ही नहीं होंगे एंड द कामर नेचर हु परस्यू ईदर टू द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर आर कंपेल्ड टू स्टैंड अ साइड एंड वो लोग जो फ़ायदा उठाते हैं वो रूलर्स जो फायदा उठाते हैं जब तक उनको साइड में नहीं रखा जाएगा सिटीज विल नेवर हैव रेस्ट फ्राम देअर इवल्स तब तक जो जो खराब चीज़ें स्टेट्स में हैं वो कभी नहीं जाएंगी ठीक है तो प्लेटो का यहाँ पे शॉर्ट में कहने का ये मतलब है कि भाई रूलर्स उनको बनाओ जिनको फिलॉसफी पता है जिनके पास विजडम है ठीक है और वही परफेक्ट रूल कर सकते हैं और वही फिलोसफर किंग्स हैं ठीक है वो ही फिलोसफर किंग्स हैं आई होप दिस इज क्लियर दिस ऑफ आइडियाफर किंग एंड आई इन एटीन टू ट्वेंटी मिनट्स क्योंकि आपको कल एग्जाम है सो आपको देखना भी पड़ेगा इसको ठीक है सो so, ये क्रक्स है प्लेटो के आइडिया इज़ वेरी इजी आप इसको ध्यान से देखिएगा एक दो बार एंड आपको समझ आ जाएगा ठीक है सो बेसिक आइडिया ये एजुकेशन का आप ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से फिलोसफर किंग को यू you नो know, पहचाना जाएगा थ्रू एजुकेशन सिस्टम एंड फाइनली जो एट द एज ऑफ फिफ्टी में एग्जाम होगा उसमें जो क्वालिफाई करेंगे वो किंग्स बनेंगे एंड जो फेल होंगे वो जो सोल्जर क्लास है उसके हाई रैंक ऑफिशियल्स बनेंगे ठीक है और अकॉर्डिंग टू प्लेटो तीन ही क्लासेस हो सकती हैं एक वो जो रूलिंग रूलिंग क्लास होगी जो किंग्स हैं दूसरी वो जो वॉरियर क्लास होगी जो सोल्जर्स है जो तीसरी जो फार्मर क्लास होगी जो पेजेंट्स आर्टिस्टेंट्स मर्चेंट्स ट्रेडर्स ठीक है जो प्रोड्यूसर्स होंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इस डे यू नो इन ए वाइल आई एम अपलोडिंग एन अदर लेक्चर विच इज ऑन रोसोज आइडिया ऑफ पॉपुलर डेमोक्रेसी सो स्टे ट्यून थोड़ा जल्दी नहीं सोना आप ठीक है नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा